हाय दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ज़्यादा स्पीड की रैम खरीदी है और आपको कम स्पीड मिल रही है, या आपको रैम की स्पीड कैसे चेक करते हैं वही नहीं पता? मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आइए ये इशू को इस वीडियो में हम देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो गाइस, जो मैंने पीसी बिल्ड किया था उसमें मैंने 3000 mAh का 8 GB का रैम लिया था। ये जो रैम है ये मैंने वीडियो में दिखाया था, बट एक्चुअली में स्पीड मुझे 2133 mAh का मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सो अभी मैं अपने मदरबोर्ड के बायोस सेटिंग में आ गया हूँ। मेरे पास MSI का B450 गेमिंग प्लस मदरबोर्ड है जिसका बायोस का स्क्रीन ऐसे दिखता है। सो आप सेंटर में टॉप पे आप देखेंगे CPU स्पीड 3.60 GHz और DDR स्पीड 2133 MHz। ये मेरे रैम का स्पीड है एट प्रेजेंट। तो इसकी जो स्पीड है वो 3000 MHz की है, बट यहाँ पे मुझे 3000 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 2133 मिल रहा है। तो इसको कैसे बूस्ट करते हैं, इसको कैसे ऑप्टिमम लेवल तक इसको यूज़ करते हैं वो इस वीडियो में देखते हैं। गेमिंग प्लस मदरबोर्ड का ओवरव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं खाली जो रैम की स्पीड है उसको कैसे इंक्रीज़ करते हैं, जो कैपेसिटी की जितनी स्पीड है उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। MSI गेमिंग प्लस बायोस का ओवरव्यू का वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। सो ये मेमोरी सेक्शन में मैं आ गया हूँ। इसमें करंट डी रैम फ्रीक्वेंसी 2133 MHz दिखा रहा है। यहाँ पे दो प्रोफाइल दिख रहे हैं जिसमें 2800 MHz और 2933 MHz दिखा रहा है, प्रोफाइल वन और प्रोफाइल टू। तो प्रोफाइल टू ज़्यादा है तो हम प्रोफाइल टू को कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। MSI गेमिंग प्लस मदरबोर्ड पे दो ऑप्शंस हैं जिसमें आप रैम की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, और जिसमें एक बटन का नाम है गेम बूस्ट, जिसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा है AXMP, जो हम नीचे प्रोफाइल की बात कर रहे थे वो बटन यहाँ पे है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ वन पे सिलेक्ट हो गया है, दैट मीन्स प्रोफाइल वन सिलेक्ट हो गया है। उसके राइट हैंड साइड पे प्रोफाइल टू लिखा है बट वो एक्टिव नहीं है। अगर हम टू पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल टू एक्टिव हो गया है। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अभी हम पीसी को रिबूट करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी वापस से चेक करेंगे बायोस में। F10 दबाना है, आपको ये पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन लिखा है कि आपने क्या क्या चेंज किया है। तो सीधा हम इसको यस कर देंगे और वापस से हम बायोस में जाके चेक करेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करते रहिए, आप बायोस में एंटर हो जाएंगे। सो गाइस, देखिए यहाँ पे हमारा CPU स्पीड भी इंक्रीज हो गया है 4.05 GHz से, और रैम की स्पीड जो DDR स्पीड है वो 2933 MHz हो गया है। सो गाइस, इतनी छोटी सी चीज़ से आप अपने CPU की स्पीड और रैम की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो मुझे CPU की स्पीड अभी नहीं बढ़ानी है तो मैंने गेम बूस्ट को ऑफ कर दिया है। अभी मैं इसको वापस से सेव करूँगा एंड वापस से मैं यस क्लिक करूँगा। अभी वापस से सिस्टम को रिबूट करके बायोस में जाके हम वापस से सेटिंग चेक करेंगे। सो गाइज, अभी मैंने वापस से रिबूट किया है। अभी मेरा CPU स्पीड जितना स्टॉक स्पीड था 3.60 GHz वही रखा है, खाली मेमोरी का जो स्पीड था वो हमारा प्रॉब्लम था, उसको 3000 नहीं हो पाया। आई डोंट नो वाई, बट इसको हमने उसके पास तक अचीव कर लिया है 2933।
सो एक सिंपल से बटन क्लिक से आप अपने रैम की स्पीड जितनी आपने खरीदी है, फॉर एग्जांपल मैंने 3000 की खरीदी है तो 3000 के पास मैं अचीव कर सकता हूँ। आई एम श्योर अभी आप सीख गए होंगे कि अपने रैम की स्पीड कैसे बढ़ानी है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे और भी दूसरे चैनल हैं जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन हैं, स्पेशली गेमिंग चैनल हैं जिसमें मैं पबजी लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ और काउंटर स्ट्राइक लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, आप उसको भी सब्सक्राइब करना।